इस एपिसोड में टाई उल किंग गोंग को काफी मिस करती है और उसकी कही हुई हर एक बात पर गौर करती है, तो उसे लगता है कि शायद वो सही था, हो न हो वो किसी दूसरी दुनिया से ही आया था, लेकिन उसने ही उसे नकार दिया और उसकी बात समझने तक की कोशिश नहीं की। फिर ली सिन दो के केस पर गौर करती है, तो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हो न हो ये मर्डर केस भी दूसरी दुनिया से कोई न कोई कनेक्शन जरूर रखता है। उधर दूसरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर गुओन किंग गोंग से मिलने के लिए महल में आती है। वो कहती है कि उसे किंग को किसी इम्पोर्टेंट काम की रिपोर्ट देनी है, लेकिन दाइमा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो लाइब्रेरी में चली गई तो राजा को वहाँ ना देखकर उनके गायब होने की खबर सब तरफ फैल जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनकी नहीं सुनती है और उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती अंदर चली जाती है, पर थैंक गॉड वहाँ किंग मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर दाइमा की जान में जान आ जाती है और गुओन हैरान रह जाती है। किंग नेक्स्ट टाइम के लिए उसे बिना परमिशन अंदर आने से मना करता है और उसके जाते ही दाइमा उनकी खबर लेने लगती है और वो बिना बताए क्यों गायब हो जाते हैं, और तभी उनकी नजर किंग के कोट पर पड़ती है और सारे हीरे के बटन गायब देखकर उन्हें और गुस्सा आता है कि इतने कीमती हीरे उन्होंने कहाँ गंवा दिए। तब किंग उन्हें प्यार से गले लगाकर बताता है कि उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने वो सारे हीरे बेच दिए। इसके बाद दाइमा उसके कोट की तलाशी लेती है, जिसमें से उन्हें दूसरी चीजों के साथ साथ वो कविताओं की किताब भी मिल जाती है जिसे लौटने से पहले किंग पढ़ रहा था। उधर रिपब्लिकन ऑफ कोरिया में टाई उल अपने सीनियर के पास आकर उसे ली सन दो मर्डर केस के बारे में नए सिरे से छानबीन करने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है, जिस पर सीनियर पहले तो अग्री नहीं होता, पर कॉन्ग शिंग भी टाई उल के सपोर्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो मान जाता है और उन्हें दो हफ्ते का वक्त दे देता है। इधर महल में दाइमा किंग से कहती है कि कैप्टन ट्वान के पिता गुजर गए हैं, जो कि राज्य के वफादार सैनिक थे, इसीलिए उन्हें उनको श्रद्धांजलि देने जरूर जाना चाहिए, जिससे कप्तान ट्वान को अच्छा लगेगा और लोगों को पता भी चल जाएगा कि किंग कहीं गायब नहीं हुए। किंग उनकी सलाह मानकर कैप्टन ट्वान के पिता की शोक सभा में हाजिर हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देकर कैप्टन के साथ कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद उनका काफिला वापस महल की तरफ बढ़ने लगता है। उधर रिपब्लिकन ऑफ कोरिया में टाई उल और कॉन्ग शिन एक चोरी के केस को सुलझाने में बिजी होते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो लोग उस चोर औरत को देख रहे होते हैं कि तभी उनकी एक स्टाफ उन्हें बताती है कि उस औरत का नंबर सेकेंड हैंड सामान बेचने वाली वेबसाइट में रजिस्टर्ड है। टाई उल उसे पर्स खरीदने के बहाने से बुलाती है और फिर उसके साथ ही पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉन्ग शिन सड़क पर खड़ा आइसक्रीम खा रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है और उसकी तबीयत पूछने लगती है। इसका मतलब कॉन्ग शिन किसी हेल्थ इश्यू के कारण उससे ट्रीटमेंट ले रहा था, जिस पर कॉन्ग शिन उसे बताता है कि अब उसे बुरे सपने नहीं बल्कि अच्छे सपने आते हैं। ये सुनकर थेरेपिस्ट खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर गुओन का असिस्टेंट उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें पार्क नाम का एक लीडर सब लोगों को प्राइम मिनिस्टर गुओन के खिलाफ भड़का रहा होता है कि वो काम पर ध्यान नहीं देती और हर वक्त मेकअप के लिए लगी रहती है और उसकी नाक भी नकली है। ये सब सुनकर गुओन को गुस्सा आता है और वो उस लीडर की एक प्राइवेट फोटो वायरल करवा देती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद वो राजकुमार ली के पास जाती है और ये कहकर उसे बहकाने की कोशिश करती है कि उम्र में बड़ी होने और सारी काबिलियत रखने के बावजूद उन्हें राजगद्दी पर नहीं बिठाया गया और इस वजह से अपने पूरे परिवार के साथ उन्हें देश के बाहर रहना पड़ा। वो ये सोच रही थी कि उन्हें ऐसा बहका कर वो उन्हें किंग के खिलाफ कर लेगी, लेकिन प्रिंस ली राज परिवार के वफादार थे, इसीलिए उसके बहकावे भी नहीं आते हैं और उसकी घटिया सोच अपने पास रखने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग प्रिंस ली से मिलने जाते हैं और उन्हें दाइमा की बनाई हुई मिठाई गिफ्ट करते हैं। बातों बातों में वो उनसे पूछ बैठते हैं कि आखिर अपने बेटे को देश से बाहर इतनी दूर क्यों रखा है, जिस पर प्रिंस बताते हैं कि किंग गोंग के राजा बनने पर कहीं उनके बेटे बगावत न कर दे, इसीलिए उन्हें शुरू से ही अपने बेटों को राज परिवार से दूर विदेश में रखा है। इसके बाद किंग गोंग उन्हें गद्दार ली किम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थमाकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने देश की लाइब्रेरी में बैठकर टाई उल के बारे में सोचने लगते हैं, और उसी वक्त टाई उल भी अपने देश की लाइब्रेरी में बैठकर किंग को मिस कर रही होती है। अगले सीन में कॉन्ग शिन अपने घर की सफाई कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ जुआ खेलकर लौट रही होती है। कॉन्ग शिन अपनी माँ की इस आदत से काफी परेशान था। वो उसके बैग की तलाशी लेता है तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो अपनी माँ पर नाराज होता है और उसे साथ लेकर जुए के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच कर इंस्पेक्टर जानवी को सबके फोटोज लेने के लिए कह देता है। इसी बीच वहाँ का मालिक आ जाता है।
ये वही बंदा था जिसने पहले कोंग शिन को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। कोंग शिन उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी, जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर मैं जेल गया तो तुम्हारी माँ भी जाएगी, क्योंकि उसने भी जुए में ही पैसे कमाए थे। ये सुनकर कोंग शिन अपनी माँ के बैग से सारे पैसे वही उलट देता है और फिर उन सबको गिरफ्तार करने का ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाता है। उधर कोरिया साम्राज्य में किंग गोंग अपने महल के उस हिस्से में जाता है जहाँ एक शीशे के बक्से में उसकी खानदानी फोर टाइगर वाली तलवार रखी थी। उस तलवार को हाथ में लेते ही उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ उसके पिता उसे बताते रहते थे कि उस तलवार में लिखा है कि अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना और हमेशा इंसाफ से काम लेना। ये सुनकर वो अपने पिता से वादा करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब उस तलवार का इस्तेमाल करेगा। अब एक बार फिर से टाइगर को दिखाया जाता है जो अपने पॉकेट से सॉफ्ट टॉय निकाल कर देख रही होती है। दरअसल वो किंग गोंग को मिस कर रही थी कि अचानक साइकिल में सवार एक बच्चा उससे टकरा जाता है और उसके हाथ से उसका आईडी कार्ड गिरकर रोड में बने ड्रेन के अंदर चला जाता है। टाई उल उदास हो जाती है और तभी उसे ज्ञान गो का फोन आ जाता है जो उसे बताती है कि किंग गोंग का फोटो वाला जो नोट उसने जाँच के लिए उसे दिया था वो बिल्कुल असली है, जो किसी बैंक में प्रिंट हुआ था। ये सुनकर टाई उल एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है और उसी बांस के जंगल में जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगती है जहां से गोंग गया था। उधर किंग गोंग भी टाई उल की फोटो हाथ में लिए उसे मिस करने लगता है और तभी वहां जो योंग आ जाता है, कहता है कि दाई माँ नाराज हो रही है कि कहीं आप फिर से गायब तो नहीं हो गए, और एक बार फिर से वक्त ठहर जाता है जिसे देख कर किंग गोंग सेकेंड्स गिनने लगा। और जब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है तो जो योंग को बताता है कि इतने सेकेंड्स के लिए वक्त रुक गया था। साथ ही वो उसे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में भी बताता है जिसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, जहाँ की राजधानी सियोल है। ये सब सुनकर जो योंग को उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगता है और वो डॉक्टर को बुलाने की बात करने लगता है। गद्दार किम ली कार में अपने वफादार साथी को लेकर दूसरी दुनिया में एंटर कर रहा था। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका हमशक्ल दूसरी दुनिया में बुक स्टोर चलाता है। अब टाई उनको दिखाया जाता है जो अपना नया आईडी कार्ड बनवाने के लिए फोटो खिंचवाने आती है, जहाँ कैमरामैन उससे कहता है कि अगर वो डार्क कलर की जैकेट पहन ले तो फोटो और अच्छी लगेगी। वो उसकी बात मानकर जैकेट पहन लेती है और फोटो खिंचवाने के बाद आईडी कार्ड बनाने के लिए दे देती है। उधर कोरिया साम्राज्य में किंग गोंग की सेक्रेटरी उसे बताती है कि प्राइम मिनिस्टर गुओन इलेक्शन जीतने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो वो आप पर डोरे नहीं डाल पाएगी। तब किंग भी उसे हंसते हुए बताता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर से बेहतर लड़की मिल चुकी है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और तभी बिजली कड़कने लगती है और उसी के साथ किंग के शोल्डर में पेन होने लगता है। सेक्रेटरी घबरा जाती है कि तब किंग उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन जोयोंग को लगता है कि किंग नाटक कर रहा है, पर जब वो पास आकर देखता है तो उसे सचमुच शोल्डर में जख्म नजर आती है और वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टाई उल अपने ऑफिस में बैठी जानवी से बात कर रही होती है कि तभी कोंग शिन वहाँ आ जाता है और उसका आईडी कार्ड उसे देते हुए कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड कब खोया था। तब वो उसे बताती है कि वो एक्सीडेंटली ड्रेन में गिर गया था, इसीलिए उसने नए कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो तो अक्टूबर के लास्ट वीक में इश्यू होने वाला था। तभी कोंग शिन कहता है कि वो लोग भूल गए थे और ये आज ही इश्यू हुआ। ये सुनकर टाई उल कार्ड पर लिखे हुए डेट को पढ़ने लगती है जिस पर आज यानी 11 नवंबर का डेट लिखा हुआ था, और तभी उसे याद आता है कि किंग ने भी उसे बताया था कि उसका वो आईडी कार्ड जो उसके पास है उसमें 11 नवंबर का डेट है। ये सब याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती है और तभी किंग गोंग उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और वो तुरंत अपनी कार लेकर उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ किंग पहले से मौजूद था। वो नर्वस ही हो जाती है और उससे पूछती है कि इतने दिनों तक वो कहाँ था और अब अचानक कैसे आ गया, जिस पर वो बताता है कि वो अपना उधार चुकाने और उससे मिलने आया था। अब क्योंकि दोनों काम हो चुके हैं इसीलिए वो जा रहा था। तब टाई उल उससे पूछती है कि जो आईडी कार्ड तुम्हारे पास है उसमें मेरे बाल खुले थे या बंधे हुए हैं, जिसके जवाब में किंग उसके बालों को पकड़कर बताता है कि वो इस तरह से बंधे हुए थे। टाई उल को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा था। फिर वो भी आखिरी सवाल पूछती है कि तस्वीर में उसने क्या पहना था, जिस पर वो कहता है कि उसने नेवी ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। अब टाई उल नर्वस हो जाती है क्योंकि किंग की हर बात सच साबित हुई थी। उसकी हालत को समझते हुए किंग गोंग कहता है कि अगर आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ चलकर उसे भी दूर कर सकती हैं। ये सुनकर टाई उल अपनी कार की तरफ बढ़ती है और किंग कहता है
कि आप कार से वहाँ नहीं जा सकती, आपको मेरे साथ चलना होगा। ये कहकर वो उसे अपने घोड़े में बिठा लेता है और उसी बास के जंगल में जाकर वो लोग कोरिया साम्राज्य में पहुँच जाते हैं, जहाँ जो योंग और बाकी पहरेदार किंग को ही ढूंढ रहे थे। अचानक उन्हें अपने सामने देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब किंग उन सबको 10 कदम पीछे हटने के लिए कहता है। सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तब किंग टाइगुल से कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तो आपको यकीन हुआ। वो हक्की बक्की से जो योंग को देखकर पूछती है कि ये आपकी दुनिया का है। किंग कहता है कि हाँ, तुम्हारी दुनिया में ये अनसब है और हमारी दुनिया में जो योंग। ये सब कुछ देखकर टाइगुल हैरान और परेशान से किंग को देखने लगती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।